sorry, as DJ. सबसे पहले चना में थोड़ा सा पानी डाल के इसको आम भाषा में कहते हैं कि भाप लेंगे या बॉईल कर लेंगे, तो मैंने इसको बॉईल कर लिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसको अब मैं निकालूंगी। तो इस तरह से हम सभी चनों को निकाल लेंगे और कढ़ाई में नमक डालेंगे, गैस को तेज करेंगे। मेरे पास ये पहले से भी भुना हुआ नमक है, इसमें और मैं ऐड करूँगी ताज़ा नमक। इसको गर्म करेंगे और इसी नमक वाले बालू में भूनते जाएंगे चना सत्तू चना और भूनते जाएंगे चना, उसके बाद आगे दिखाएंगे आपको। तो हमें एक थाली ले लेना है और ये छन्नी ले लेना है जिसमें हम डालें ये नमक झारें तो इसमें गिर जाए। और बालू हमारा गर्म हो चुका है, नमक वाला बालू हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें चना डालूंगी मैं, तो इतना से अंदाज में लेके चना भूनना है हमें इस तरह से भून लेंगे और हल्का थोड़ा सा हरा हरा चना हम भून के निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइट, ज़्यादा कड़क, ज़्यादा भूजा का थोड़ा टाइट होता है, इसका थोड़ा हरा कच्चा ही निकालते हैं, तो थोड़ा सा हम कम भूजा पका ही निकाल लेंगे इसको। तो ये चना हमारा भून चुका है, निकाल दूँ, इसे चूल्हा पे चढ़ा दिया, इस तरह निकाल लेंगे। बालू थोड़ा गर्म होता है इसलिए केयरफुली करना है और नमक हमारा मोटा है इसलिए थोड़ा देर से निकलेगा। फिर से बालू कढ़ाई में डाल देंगे और गर्म होने देते हैं। इस तरह से हम सभी चनों को भून लेंगे। टाइम लग गया, मेरा 3 केजी है, आप अपना देख लीजिएगा आपको कितना केजी बनाना है। मैं अपने घर के ही जुगाड़ से अच्छा सा चना का सत्तू घर पे तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा मेहनत लगता है। पूरा चना भून लिया, अब इसको सफाई करूंगी फिर जाएगा ये पीसने के लिए। तो है ना घर पे आसान तरीके से जुगाड़ू तरीके से भून लेना चना का सत्तू, घर पे ही शुद्ध तैयार किया हुआ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बाहर से खरीद के लाइए तो मिलावट का शंका रहता है, इसलिए हम घर पे ही तैयार करते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो अब इस चना को हम नीचे रख के और इस लोढ़ा के सहायता से दखर लेंगे, क्रश कर लेंगे
ऐसे कुछ इस तरह। कहने का मतलब है कि इसका छिलका अब हम जितना हो सके क्रश करके साफ कर लेंगे। तो इस तरह से कचरे सफाई कर लेना है। देखिए निकलते जाएगा सारे चना को इसी तरह प्रेस करके साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रश करके मैंने चने को झोला में डाल दिया है और अब ये जाएगी चक्की पे जहाँ पे सत्तू बेसन पीसता है वहाँ पे पीसेगा। अब तब आएगा तब दिखाऊंगी मैं आपको। तो जाने के लिए रेडी है सत्तू हमारा, मतलब कि चना हमारा पीस के आ चुका है और ये अब सत्तू फॉर्म में हो चुका है और इसको छान के स्टोर कर लेंगे। छानने के लिए मैंने ब्रश लिया है बर्तन और इसमें इसको ऐसे छान लेना है। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे ये हमारे बिहार का फेमस डिश है और ये प्रोसेस सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। छानने से ये होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा कचरा छिलका जो भी है निकल जाएगा और फिर हम एक कंटेनर में रख लेंगे और इसका उपयोग करते रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है, इतना सा निकलता है, लेकिन यही अगर मुंह में पड़े तो ख़राब लगेगा, इसलिए ये हम छान के निकाल देंगे। अपने सुविधा के अनुसार किसी भी कंटेनर बॉक्स डब्बू में स्टोर करके रख सकती हैं और अपने फैमिली के अकॉर्डिंग जितना खर्चा हो इसका उपयोग कर सकती हैं। और ये बहुत दिन तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, एक महीना से भी ज़्यादा चलेगा, बिल्कुल ही फ्रेश, ख़राब नहीं होता ये। तो अब बन के रेडी है और इसका अब उपयोग भी बता दे रही हूँ। तो सत्तू बनाने के लिए, घोरने के लिए लिक्विड प्याज लेंगे, नींबू लेंगे, नमक, मिर्ची और सत्तू। यहाँ पे सत्तू घोलने के लिए लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और उसमें लेना है आपको जितना, मतलब उपयोग है, जितने फैमिली मेम्बर है अनुसार पानी ले सकती हैं। मैंने यहाँ एक गिलास लिया है क्योंकि मुझे एक गिलास ही सत्तू बनाना है। पानी ले लिया, इसमें नमक लेंगे थोड़ा सा और डालेंगे एक बड़ा चम्मच सत्तू, थोड़ा सा और भी इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये डालेंगे नींबू का जूस। मिला लेना है। भुना जीरा काला नमक का मसाला बना के रखती हूँ उसको। थोड़ा सा भुना जीरा काला नमक को बना के हमेशा रखना चाहिए सत्तू भुने के लिए। डालते हैं थोड़ा सा इसमें मिंट और करते हैं इसको डेकोरेशन।
और हो गया हमारा सत्तू रेडी पीने के लिए। किड हमारा बन के रेडी है गाइस, आइए आप भी पी लीजिए। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो मतलब आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी मैं अगली रेसिपी के साथ, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।